दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ग्रो पे। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं सेलो कंपनी का नोवेल्टी स्टोरेज कैबिनेट। ये बिग स्टोरेज कैबिनेट है, इसको आप स्टोरेज कपबोर्ड भी कह सकते हो। टू डोर वाला है। देखिए इस तरीके के बॉक्स में इसके पार्ट्स पैक आते हैं। देखिए इस तरीके का बॉक्स होता है, इसको आपको घर पे असेंबल करना पड़ेगा, यानी कि डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट है। देखिए इसको हम ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके का मैनुअल निकला है इसके अंदर से, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। और देखिए ये सारे प्लास्टिक के पार्ट इसके अंदर से निकले हैं। देखिए अलग अलग पार्ट्स हैं। मैं पहले बॉक्स में से जितने भी पार्ट है उसको निकाल के यहाँ पे साइड में रखता हूँ, फिर हम इसको असेंबल करेंगे। दोस्तों हमारे साथ विशाल पारेख जी भी है जो हमें इंस्टॉलेशन में हेल्प करने वाले हैं। सभी पार्ट्स को एक अलग से प्लास्टिक की बैग में पैक करके दिया है, तो मतलब पैकेजिंग कह सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग है। देखिए व्हाइट कलर का है। देखिए सारे पार्ट्स हमने बॉक्स में से निकाल दिए हैं, अब बॉक्स खाली हो गया है। अब दोस्तों इसके अंदर डोर के पार्ट से अपर पैनल है, नीचे के पैनल से, तो सारे पार्ट्स को हम अलग अलग सेपरेट रखेंगे ताकि इंस्टॉलेशन इजी हो जाए। दोस्तों सारे पार्ट्स को हमने सेपरेट कर दिया है। देखिए इस तरीके से आपको भी इंस्टॉल करने से पहले इस तरीके से रख देना है ताकि इंस्टॉलेशन इजी हो जाए। देखिए यहाँ पे बैक पैनल और सारे साइड पैनल्स वगैरह है, ये डोर है सारे, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये हैंडल वगैरह है। देखिए इस तरीके का, और इसके अंदर से देखिए की निकलने वाली है क्योंकि लॉक सिस्टम है। देखिए इसके अंदर की दी हुई है, और ये भी देखिए सेल्फ है। सेल्फ के अंदर भी देखिए नीचे यहाँ पे पूरा इस तरीके का स्टील जैसा मटेरियल आता है ताकि इसके ऊपर जब आप वेट रखोगे तो ये प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी दे आपको। ये साइड पैनल्स है और ये टॉप और बॉटम के पैनल्स हैं, तो इस तरीके से सेपरेट कर दिए। अब हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बॉटम असेंबली ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम बेस में रखेंगे। फिर बैक पैनल है, देखिए एक बैक पैनल में यहाँ पे देखिए आपको स्पेस दिखेगी और यहाँ पे भी स्पेस है, तो ये फिक्स हो जाएगा। मगर ये वाला जो पार्ट है इसको आगे की ओर इस तरीके से रखना है, ये वाला जो पार्ट है ये पीछे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, देखिए ये बैक पैनल दो यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। अब साइड पैनल हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में साइड पैनल, तो इस तरीके साइड पैनल में ये वाला जो पार्ट है ये इनसाइड आएगा और ये वाला जो पार्ट है आउटसाइड आएगा। देखिए ये फिक्स हो गया है। ये देखिए ये बैक कनेक्टर है, ये यहाँ पे आएगा बैक कनेक्टर इस तरीके से। देखिए अब साइड कनेक्टर आएंगे दोनों साइड, देखिए इस तरीके के साइड कनेक्टर भी इंस्टॉल हो गए हैं। अब वापस बैक पैनल है, बैक पैनल यहाँ पे आएगा। देखिए तो बैक पैनल इंस्टॉल हो गया है। अब बाकी के दो साइड पैनल है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है, घर पे आप आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। अब ये टॉप पैनल है, देखिए टॉप असेंबली लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे सेलो का ब्रांडिंग भी आ रहा है। इसको हम पूरा फिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा ओपन रखेंगे ताकि डोर वगैरह फिक्स करने में आसानी हो। दोस्तों ये है लेफ्ट बॉटम डोर पैनल, देखिए इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए लॉक दिया हुआ है और ये कनेक्टर है, इसको आपको इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा। देखिए ये फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्पेस दिखेगा, दोनों डोर में सेम है, और यहाँ पे भी नीचे आपको स्पेस मिलने वाला है। देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, देखिए, और ये वाला यहाँ पे देखिए स्पेस दिया हुआ है, थोड़ा इस तरीके से कर देना है। इस साइड से दिखाइए आप, देखिए इससे ऐसे करके इसको आप फिक्स कर सकते हैं। देखिए ये फिक्स हो गया डोर, सेम तरीके का है दूसरा डोर भी। देखिए इसको हम पहले इस तरीके से फिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए लॉक करने के लिए स्पेस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे की आएगी। अब इसको हम फिक्स करेंगे,
ठीक है। इसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है, व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, तो पूरा प्रोफेशनल डिसेंट कलर हम कह सकते हैं इसको। अब दूसरे दो डोर है, इसको हम फिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको लॉक दिखने वाला है, यहाँ पे लैपटॉप डोर पैनल दिया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे सबसे पहले तो इस डोर के अंदर आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से, देखिए ये फिक्स हो गया है। देखिए यहाँ पे लॉक होता है तो लॉक हो जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे इस तरीके से आपको फिक्स कर देना। देखिए अभी अटका दिया है हमने, अब दूसरा डोर लगाएंगे। अब देखिए ये भी फिक्स। अब इसको फाइनल जो टॉप का हिस्सा था इसको फाइनल फिट कर देना है। देखिए अभी ये फिट हो गया है, ऑलमोस्ट स्टोरेज कैबिनेट बन के रेडी हो गया है, मगर यहाँ पे अभी हम सेल्फ लगाने वाले हैं दोस्तों। अब सेल्फ फिट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्पेस है तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो, देखिए स्पेस दी हुई है, अपने हिसाब से इसकी साइज एडजस्ट कर पाओगे। इसके अंदर टोटल 3 सेल्फ है, तो जैसे कि अगर कोई बड़ी चीज इसके अंदर रखनी है तो बड़ी साइज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज छोटी साइज में आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो देखिए अलग अलग साइज के अंदर हमने यहाँ पे 3 सेल्फ फिक्स कर दिए, तो प्रॉपर स्पेस इसके अंदर आपको मिल रहा है दोस्तों। ये पूरा कपबोर्ड बन के रेडी हो गया है, यानी कि इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है। देखिए ये पूरा लुक के अंदर कैसा दिख रहा है, पहले आप ये देखिए, ये बहुत ही लुक में अट्रैक्टिव लगता है। देखिए व्हाइट और ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डिसेंट लग रहा है। देखिए देखिए ये बैक साइड है, ये भी मतलब प्रॉपर है। देखिए इस तरीके का पूरा लुक है, और ये सेलो कंपनी बनाती है दोस्तों। इसके अंदर जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो भी वर्जिन मटेरियल होता है, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पे आपको जेन्यून रिव्यू देते हैं कोई भी प्रोडक्ट हो प्लास्टिक का। अब इसके डायमेंशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका अगर टोटल हाइट देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो हाइट है वो है 48.5 इंच के आसपास इसका हाइट बन रहा है, और इसका अगर ये वाला साइज देखें, विड्थ देखें, तो ऑलमोस्ट 23 इंच के आसपास है, और इसका अगर डेप्थ देखें तो 14 इंच के आसपास इसका डेप्थ मिल रहा है। इनसाइड डेप्थ अगर देखें तो कितनी हम यूज कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें मिल रही है 12 इंच के आसपास। तो दोस्तों ये था इस स्टोरेज कैबिनेट का डायमेंशन। दोस्तों इसके अंदर की भी आती है, देखिए ये की है, आप इसको लॉक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है, देखिए इसको लॉक करने से पहले आपको ये वाला जो हिस्सा है इसको लॉक करना पड़ेगा। इस तरीके से क्लोज करके यहाँ से लॉक कर देना है, फिर आपको ये वाला डोर क्लोज कर देना है, फिर लॉक कर दिया तो ये फिक्स हो गया। देखिए ये ओपन नहीं हो गया इजीली, मतलब ओपन नहीं कर सकते दोस्तों। इसके अंदर लॉक दिया हुआ है, मगर इसके अंदर आप गहने वगैरह पैसे वगैरह नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जो लॉक है पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इजीली ब्रेक भी हो सकता है। तो मतलब बच्चों के बुक्स वगैरह है, टॉयस है, या तो फिर कपड़े है, इसको स्टोर करने के लिए, या तो फिर घर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है जो आप कपबोर्ड के अंदर रखना चाहते हो, उसके लिए ये बेस्ट होने वाला है। मगर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, या तो फिर वैल्यूएबल सामान है, इसको आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते वैसे देखा तो, क्योंकि लॉक है, मगर इतना ज़्यादा तो ये सेफ्टी नहीं रहेगा। मगर लाइट वेट है दोस्तों, इसका अगर वेट देखें तो इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, और इसको आप कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है तो आप ईजिली आप वापस इसको, मतलब जितने भी पार्ट्स थे इसको निकाल सकते हो, और जहाँ पर वापस यूज है वहाँ पे आप असेंबल कर सकते हो। तो ईजी टू मूव है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना ईजी है, और वर्जिन प्लास्टिक से बना है तो क्वालिटी मटेरियल है, मतलब सेलो कंपनी का प्रोडक्ट है तो ब्रांडेड है, अच्छा ही लगेगा। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन था, इसके अंदर कॉफी बेस कलर्स आते हैं, या तो फिर ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन होता है, और येलो टाइप के कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत सारे कलर ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल भी रहते हैं दोस्तों। इसका अगर MRP देखें तो ऑलमोस्ट 8,200 रुपीस के आसपास इसका MRP है, मगर आफ्टर डिस्काउंट ये ऑलमोस्ट 5,000 रुपीस के आसपास मेरे ख्याल से मिल जाता है।